जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी। और आज हम अमरोहा ज़िले में आए हैं और यहाँ कुछ लोग हमारे साथ हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जो 2022 वाला चुनाव आ रहा है यूपी में, वो उसमें किसकी सरकार बनने वाली, जनता किसे पसंद करती, जनता का मूड जानेंगे। ज़्यादा बात ना करते हुए आइए सीधे जनता से रुख करते हैं और बात करते हैं। जी बाबा नमस्कार। नमस्कार बाबा, आपकी किसकी सरकार आनी है? सरकार गठबंधन की बनेगी, भाजपा की माया की। आपने तय कर लिया कि गठबंधन की सरकार आनी है? हाँ। ये कैसे कैसे कह सकते हैं? मैं मुलायम की सरकार नहीं बनेगी। मुलायम की सरकार नहीं, गठबंधन किस किस की बनने वाली है? माया का गठबंधन भाजपा का। थोड़ी तेज बोले आवाज। गठबंधन माया का तेज भाजपा का। अच्छा, ये ऐसा आपने क्या देखा कि आपको लग रहा है कि गठबंधन मायावती और बीजेपी की आने वाली, बीएसपी और बीजेपी की? नकली इसको सरकार को गठबंधन भाजपा नहीं देने की। इनका कहना है कि 22 में बीजेपी और बीएसपी का गठबंधन होगा और गठबंधन की ही सरकार बनेगी। तो आखिर ऐसा क्यों लगता है आपको कि बीजेपी और बीएसपी गठबंधन करेंगे, उनकी सरकार बनने वाली है? हाँ, पहले समय में भी ऐसे बात अनुसार पहले भी वो गठबंधन का हुआ था। पहले गठबंधन कौन से सन में हुआ था गठबंधन की सरकार? 2007 में। तो भैया देखो, गठबंधन होगा समाजवादी को तो भाजपा देने वाली नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर हो सके तो अगर गठबंधन भाजपा का मायावती से हो गया तो सरकार मिली जुली बनेगी। अच्छा, तो ये कुछ मिला करके तो कुछ इंसानों को तो ऐसा है, कुछ इंसानों को अच्छा लगा है, कुछ इंसानों को किसानों को। आप अपना बताएं, आपको कैसा लगा ये? अरे भाई, जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी बोलन दीजिए। हाँ, ठीक है ठीक है। समझ गए? नहीं, कहने का मतलब ये है कुछ किसानों को तो गलत लगी है सरकार, कुछ किसानों को भलाई लगी है। समझ गए? इसलिए हो सके कि समाजवादी को तो भाजपा चाह नहीं रही, कुछ जाटब लोग भी नहीं चाह रहे समाजवादी को, भाजपा को कुछ लोग नहीं चाह रहे, इसलिए गठबंधन की महसूस होने की उम्मीद है कि अगर गठबंधन हो गया तो मिली जुली सरकार बनेगी मायावती की और भाजपा की। मेरा सवाल ये रहा कि बीजेपी का जो कार्य रहा इन 5 सालों में, आपको कैसा लगा? आप संतुष्ट हैं बीजेपी के कार्यों से? अरे संतुष्ट कुछ लोग तो संतुष्ट हैं, कुछ लोग नहीं हैं। आप अपना बताएं, आप कैसा महसूस किए? मैं तो दोनों सरकार सही लग रही है, हमारे लिए तो सभी बराबर है ना। अच्छा, कहने का मतलब जो कार्य रहा जो अब तक का, ये आपको अच्छा लगा? हमें तो अच्छा लग रहा। तो वही चीज हम जानेंगे। जी आप बताए बाबा। सही है, जो होगा ठीक है। अब देखिए, सरकार तो आनी ही है। हाँ, किसी की भी आए, आनी है। लेकिन आप लोग किसको लाना चाहेंगे? हम तो यही चाहते हैं गठबंधन की सरकार आए। अच्छा, गठबंधन मूड बना लिया आपकी? हाँ, सही बात है। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 22 में 22 की लाने वाली है। ये तो सब लोगों के विचार अलग अलग होते हैं, सब लोगों के विचार अलग अलग होते हैं, लेकिन जिसको जो पसंद करता है वो ही कहता है। अमरोहा में मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है, तो क्या लगता है आपकी मुस्लिम किसकी तरफ पलटेंगे? मुस्लिम जहाँ तक उम्मीद है, चाहते तो अखिलेश के लिए हैं। हाँ। लेकिन अखिलेश की सरकार नहीं बनेगी, सब लोग हिंदू समाज सब लोग एकत्र हो जाएगा। तो आप हिंदू समाज में आपकी गिनती होती है? नहीं, गिनती तो कम होती है, लेकिन चाहते तो यही है हिंदूवादी का सरकार बनती है। अच्छा। यही चाहते हैं हिंदूवादी सरकार बने। आप भी हिंदूवादी सरकार के सपोर्ट में हैं? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, चलिए धन्यवाद। हमारे बीच में एक युवा हैं, युवा तय करेंगे कि किसकी सरकार आने वाली, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य होता है। और अभी बाबा बोल रहे थे कि हिंदूवादी सरकार आनी चाहिए, तो युवा की क्या राय है, युवा क्या कहना चाहेंगे, हिंदूवादी सरकार आनी चाहिए या नहीं, क्या कहना है आपका इस पे? पहली बात तो हम हिंदू नहीं हैं, हमें हिंदू में गिना जाता है कि हम हिंदू हैं। वोट लेने के लिए? जी, वोट के लिए हम हिंदू हैं, अन्यथा हिंदू नहीं है। अगर हम हिंदू होते तो हमें जो अन्य जो मंदिर हैं उनमें और बरादरी के लोग घुस सकते हैं, वहाँ हमें एंट्री नहीं होती। जो हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं थे, उनकी एंट्री नहीं हुई भी तो हुई थी, वो तो हिंदू थे। उन्हें सिर्फ जो राष्ट्रपति बनाया गया था वो संविधान के जरिए से बनाया गया था, ना कि धर्म के जरिए से। बस तो आप किसकी सरकार पसंद करेंगे अब की बार 2022 में? जैसा कि जो है बड़े बुजुर्ग बोल रहे हैं, भाई हमें देने की सपोर्ट चल रहा है, वैसे बोलते हैं कि जो युवा पीढ़ी होती है उसे अपना कुछ नया करना होता है, क्योंकि देश का जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। बिल्कुल। युवा में तो अखिलेश जी हैं जी, तो उनको क्या आप लाना चाहेंगे? जी, अखिलेश जी की सरकार भी बढ़िया है, उन्होंने जो मतलब पहले युवा हैं उनके लिए नौकरी दी है, उन्होंने लैपटॉप भी बांटे हैं, उन्होंने जो है युवा पीढ़ी है उन्हें बहुत अनुसंधान दिया है,
उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया अपने सरकार में। एक एक और पार्टी अभी आई है ASP आजाद समाज पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसके चंद्रशेखर आजाद जी हैं, वो भी युवा हैं और बड़े जोर शोर से युवा उनकी तरफ जुड़ रहे हैं, तो उन पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी उनकी पार्टी भी ठीक है, वो जहाँ जाते हैं मतलब जहाँ अन्याय होता है तो उनकी पार्टी वहाँ सबसे पहले पहुँचती है। तो क्या आपको लगता है कि उनका उनको कुछ सीटें मिलेंगी, कुछ सीटों से वो चुनाव जीत पाएंगे? ऐसा लगता है जैसे अब की बार वो कुछ सीट लेंगे, क्योंकि जो उनका जो जस्टिस है ना वो न्याय करते हैं, कहीं भी कुछ बात हो जाओ तो वो वहीं पहुंच जाते हैं। अभी एक सेकंड, अभी हमारे यहाँ देहरा चक में एक लड़की को फांसी खिला के मार दिया गया, शायद वो मरी है मारा, वो तो अभी पूरा इसका निर्णय नहीं हो पाया है, तो इसलिए भीम आर्मी वाले वहाँ भी पहुँच गए। जहाँ भी जाते हैं ना तो ये लोग पहले पहुँच जाते हैं इसको न्याय दिलाने के लिए। तो आपको लगता है कि उनका काम अच्छा हो रहा है इसलिए? जी ऐसा लगता है, मगर अभी ऐसा पूरा वो नहीं है जो अब मतलब ये होता है ना, सरकार से पहले सब लोग दिखाते हैं। आप युवा हैं, आपको और युवा लोग का ये कहना है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो बेरोजगारी पे आपका क्या कहना कि बेरोजगारी बढ़ी है, इसका भी कोई असर पड़ेगा चुनाव पे या नहीं? बेरोजगारी का असर तो पड़ेगा चुनाव पे। आपने कौन सी पढ़ाई करी अभी? मैं अभी BA सेकंड ईयर कर रहा हूं। अच्छा, BA सेकंड ईयर पॉलिटेक्निक कर रहा हूं। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।